Good morning, children. Today we will start with the 10th chapter of our GK book. This is the syllabus for second periodic. The name of the chapter is Currency Demonetization. What is the meaning of demonetization? Demonetization का मतलब है कि कोई भी जो करेंसी हमारे कंट्री में चल रही है उस पर रोक लगा देना और उसके बदले में दूसरी करेंसी को शुरू करवा देना. दिस इज़ कॉल्ड डीमोनेटाइजेशन. और ये क्यों किया जाता है? ताकि ब्लैक मार्केटिंग, स्मगलिंग, ये सब चीज़ों को, जो बुरी चीज़ें हैं, उन्हें हम रोक सकें. तो ये डीमोनेटाइजेशन आपको पता है हमारे कंट्री में एक बार लागू हो चुका है, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. ये देखिए बच्चों, ऑन द 8th of November 2016 The government of India decided to demonetize Rs. 500 and Rs. 1000 bank notes in India from 9 November 2016. यानी 8 नवंबर 2016 को ये फैसला लिया गया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि उस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये फैसला लिया कि Rs. 500 और Rs. 1000 के जो बैंक नोट्स हैं, जो सर्कुलेशन में हैं, जो अभी चल रहे हैं, उन्हें हम रोक उन पर रोक लगा देंगे, उनको बैन कर देंगे. और ये लागू कब से होगा, कब से ये एक्टिव होगा, ये प्रोसीजर 9th नवंबर 2016 से लागू हुआ. इट सीज्ड द यूसेज ऑफ ऑल Rs. 500 एंड Rs. 1000 बैंक नोट्स of the Mahatma Gandhi series as a form of legal tender in India from 9 November 2016. Yani is date se 9 November 2016 se jo 500 ke purane note the aur 1000 ke jo note the un par ban laga diya gaya, unko seize kar diya gaya, un pe rok laga di gayi aur uske badle mein decide kiya gaya ki hum naye notes ko issue karenge, naye notes market mein layenge. आगे देखिए, सिमिलर मेजर्स हैव बीन टेकन इन द पास्ट. इन जनवरी 1946 करेंसी नोट्स ऑफ 1000 एंड 10000 रुपीस वर विथड्रॉन एंड न्यू नोट्स ऑफ 1000, 5000 एंड 10000 रुपीस वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1954. यानी कि पहले भी ये काम हो चुका है डीमोनेटाइजेशन का. 1946 में ये हुआ था जब 1000 और 10000 के नोट्स को बंद कर दिया गया था और उसके बदले में नए नोट्स 1000, 5000 और 10000 के इशू किए गए थे 1954 में. उसके बाद देखिए, द जनता पार्टी कोलिएशन गवर्नमेंट हैड अगेन डीमोनेटाइज नोट्स ऑफ 1000, 5000 एंड 10000 रुपीस ऑन 16th जनवरी 1978 एज अ मींस टू कर्ब काउंटरफीट मनी एंड ब्लैक मनी. यानी कि फिर दोबारा 1954 में जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई, मिली जुली सरकार थी, कोलिएशन गवर्नमेंट थी, तब उन्होंने फिर से 1000, 5000 और 10000 के नोट्स को 16 जनवरी 1978 में इसे फिर से डीमोनेटाइज किया, इसे इस पर रोक लगा दी, ताकि ब्लैक मनी, बहुत लोगों ने जो पैसे होल्ड करके रखे हुए थे, जमा करके रखे हुए थे, काला बाजारी कर रहे थे, उस पर रोक लगाई जा सके. सी द नेक्स्ट कॉलम. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी. हिज मिस्टर नरेंद्र मोदी. द अनाउंसमेंट वॉज मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो जो अभी हाल फिलहाल में हुआ है इन द ईयर 2016, वो किसने ऑर्डर किया था? तो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था. क्या? इन एन अनशेड्यूल्ड लाइव टेलीवाइज एड्रेस टू द नेशन एट 8:15 PM द सेम डे. यानी उसी तारीख को, यानी कि 8 नवंबर को उन्होंने लाइव टेलीकास्ट टीवी पर करवाया और उस पर उन्होंने ये अनाउंसमेंट की. In the announcement, the Prime Minister Shri Narendra Modi declared circulation of all Rs. 500 and 1000 bank notes of the Mahatma Gandhi series as invalid and announced the issuance of new 500, Rs. 500 and Rs. 2000 bank notes of the Mahatma Gandhi new series in exchange for the old bank notes. यानी कि क्या किया गया?
क्या अनाउंसमेंट हुई कि जो 500 और 1000 वाले नोट्स हैं वो आप सब जमा करा दीजिए, उसकी सर्कुलेशन अब बंद हो रही है, वो वैलिड नहीं रह गए हैं, वो किसी काम के नहीं हैं, और उसके बदले हम आपको 500 और 2000 के नोट्स प्रोवाइड करेंगे, आपको मिल जाएंगे बैंक से या पोस्ट ऑफिस से। तो जितने भी आपके पास नोट्स हैं जो आप एक्सचेंज कराना चाहते हैं आप उन्हें एक्सचेंज करा सकते हैं। द नेक्स्ट कॉलम, द बैंक नोट डिनोमिनेशंस ऑफ ₹100, ₹50, ₹20, ₹10 एंड ₹5 ऑफ द महात्मा गांधी सीरीज कॉन्टिन्यू टू रिमेन एज लीगल टेंडर एंड वर अनएफेक्टेड बाई द पॉलिसी। यानी जो 100, 50, 20, 10 और 5 के नोट हैं, पुराने नोट थे, वो वैसे ही रहेंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं है, उनकी वैल्यू वैसे ही रहेगी। द डीमोनेटाइजेशन वॉज डन इन एन एफर्ट टू स्टॉप द काउंटरफिटिंग ऑफ द करेंट बैंक नोट्स एलिज्ड टू बी यूज फॉर फंडिंग टेररिज्म एंड फॉर क्रैकिंग डाउन ऑन ब्लैक मनी इन द कंट्री। तो ये काम क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया क्योंकि बहुत सारा जो पैसा था वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए दिया जा रहा था, बहुत सारे पैसों को की ब्लैक मार्केटिंग की जा रही थी। तो ये सब इलीगल धंधों को बंद करने के लिए ये काम श्री नरेंद्र मोदी ने किया। द मूव इज़ ऑल्सो एम्ड एट रिड्यूसिंग करप्शन, ड्रग मिनेस एंड स्मगलिंग। ड्रग्स का कारोबार, करप्शन, जो घूसखोरी है, स्मगलिंग, ड्रग्स की स्मगलिंग, गोल्ड्स की स्मगलिंग और बहुत सारी चीज़ों की स्मगलिंग पर रोक लगाने के लिए भी डीमोनेटाइजेशन किया गया। तो ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेजर था जिससे हमारे देश की जो ब्लैक मनी थी उस पर रोक लगाई गई और नए नोट्स को इशू करके देश को प्रगति की ओर, हम लोग बोल सकते हैं प्रोग्रेस की ओर ले जाने का एक बहुत बड़ा कदम था बेटा। तो इसमें से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी इन द PDF फॉर्म, यू कैन गो थ्रू इट एंड इन दिस वे योर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज, टर्न टू योर नेक्स्ट चैप्टर। द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 11, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यानी इंडिया की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, क्या उसका इतिहास है। इसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको टिक करना है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, तैमूर इन्वेडेड इंडिया इन। तैमूर एक मुस्लिम रूलर था, उसने कब आक्रमण किया है इंडिया पर? तो उसका सही जवाब है AD 1398। AD का मतलब है एनो डोमिनी। तो AD 1398 में इसने हमारे देश पर आक्रमण किया। द सेकेंड वन, शिवाजी वॉज बॉर्न इन 1637 AD। एट शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ? तो शिवनेरी एक जगह है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। करेक्ट आंसर को आप टिक करते जाइए बेटा। द मंगोल्स अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस ड्यूरिंग द रूल ऑफ। तो मंगोल्स जो थे वो पहली बारी इंडस रिवर की बैंक्स पर जब वो आए, जब वो उन्होंने आक्रमण किया, तो उस वक्त इंडिया में किसका रूल था? तो उस समय इंडिया में बलबान का रूल था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ था, बलबान। ओके, द कैपिटल ऑफ मगध किंगडम वॉज। मगध का कैपिटल क्या था? तो गिरीव राजा वॉज द कैपिटल ऑफ मगध। फिफ्थ वन, मोहम्मद तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू। मोहम्मद तुगलक ने अपने कैपिटल को दिल्ली से कहाँ शिफ्ट किया? तो देवागिरी, उस जगह का नाम है, और बाद में उसने देवागिरी का नाम बदल के दौलताबाद रख दिया था। तो दिल्ली से वो दौलताबाद अपने कैपिटल को शिफ्ट करके ले गया। सिक्स, अशोका रूल्ड इंडिया बिटवीन। जो अशोका दी ग्रेट है, अशोक रूलर था एक बहुत बड़ा, जिसने कलिंग की लड़ाई की। तो अशोका जो था उसने इंडिया में कितने से कितने समय तक रूल किया? 268 BCE टू 232 BCE। ये सही जवाब है। चाणक्य वॉज अ प्रोफेसर है। चाणक्य यानी कि कौटिल्य जो थे वो कहाँ के प्रोफेसर थे? वो बहुत बड़े एक गुरु थे, वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी
के प्रोफेसर थे, ठीक है। उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं। अर्लियर द मोड ऑफ ट्रेड वॉज, पहले क्या होता था, पहले तो करेंसी होती नहीं थी, तो कैसे हम लोग ट्रेडिंग करते थे, बार्टर सिस्टम के थ्रू, यानी सामान के बदले सामान खरीद लेते थे। जिसको चावल चाहिए बदले में गेहूं चाहिए तो वो दोनों एक्सचेंज कर लेंगे, तो इसको हम लोग बार्टर सिस्टम कहते हैं, जिसमें सामान के बदले में ही सामान हम लोग ले लेते हैं। करेंसी वॉज नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम। ओके चिल्ड्रेन, दीज आर योर टू चैप्टर्स, आई थिंक यू हैव फॉलोड देम। थैंक यू।